अरे यार तुम लोगों को पता है आज तारीख क्या है? बिल्कुल पता है भाई साहब। यार देख चिंचन, आज है यार 14 अगस्त। अरे यार तुम्हें पिछली बार याद है आज 14 अगस्त को क्या था? आज तो कुछ नहीं है, कल 15 अगस्त है, कल झंडा फहराएंगे, पतंग उड़ाएंगे। अरे यार आज का पता है तुम्हें कुछ? आज अरे हाँ बे, आज तो उसका कलुए का बर्थडे है। अरे हाँ यार, और मेरे को ये बात कल रात को ही याद आ गई थी, और मैंने तो सोच भी लिया यार आज क्या क्या करना है। तूने सारी प्लानिंग भी बना ली है? अरे हाँ यार, और साथ में मेरे संग में पिंचन ने भी। अरे हाँ यार, मैंने भी मस्त वाली प्लानिंग बना ली है। ऐसे भाई तुम लोगों को याद है हम लोगों ने क्या मस्त वाली एक्टिंग करी थी पिछली बार कलुए के साथ? अरे बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद है यार। पिछली बार तो गाइस तुम लोगों को याद ही होगा यार, कलुए को अपना बर्थडे याद था एकदम बढ़िया तरीके से, उसको पता था कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन हम लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि हमें पता ही नहीं है। फिर उसने हमें बताया भी नहीं, और फिर हम लोगों ने सीक्रेटली एक पार्टी प्लान करी थी उसके लिए। अरे हाँ यार, लेकिन वो पार्टी उतनी कुछ ज्यादा खास नहीं हो पाई थी, क्योंकि भाई साहब हमारे पास पैसे भी नहीं थे, और ज्यादा लोगों को भी हम लोग बुला नहीं पाए थे, कुछ अवेंजर्स को काम आ गया था इसलिए ज्यादा अवेंजर्स भी नहीं आ पाए थे। तुम लोगों का याद ही होगा यार पिछले साल की बर्थडे पार्टी फ्रेंडली भैया की। लेकिन भाई साहब कुछ भी हो जाए, इस बार तो बढ़िया तरीके से बर्थडे मनाना है कलुए का। अरे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मनाएंगे यार। चलो यार पहुँचने वाला हूँ फ्रैंकलिन के घर। पता नहीं यार इस फ्रैंकलिन के घर में शिंचन पिंचन और चॉप को उसके बर्थडे के बारे में याद है कि नहीं, लेकिन मुझे मेरे दोस्त के बर्थडे के बारे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद है। चलो फटाफट से चलते हैं शांति से। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है इस वक्त टाइम कितना हो रहा है, एक सेकंड पहले, हाँ टाइम 10 बजने वाले, मतलब थोड़ी देर बाद अभी फ्रैंकलिन उठ जाएगा, बट उससे पहले जाकर इन लोगों से जरा मैं बर्थडे की बात करता हूँ। अरे भाई कैसे हो तुम लोग? अरे बड़े दिनों बाद माइकल भैया हमारे घर पे। हाँ वो एक जरूरी काम से आना पड़ा। तुम्हें याद है आज क्या है? बिल्कुल याद है भाई माइकल, हमें पता है आज कलुए का बर्थडे है। क्या बात है, ये हुई ना बात। अरे हाँ यार हमें पता है यार आज फ्रैंकलिन भैया के बर्थडे है। अरे बहुत ही ज्यादा बढ़िया। वैसे फ्रैंकलिन को ये तो नहीं पता ना कि हमें उसके बर्थडे के बारे में पता है? अरे हाँ यार नहीं पता कुछ भी, अभी तो वो सो ही रहे हैं। अरे यार ये कितना ज्यादा सोता है, सच में ही सो रहा है? अरे बिल्कुल यार, वो भी घोड़े बेच के। अरे यार बहुत ही ज्यादा, एक नंबर का सो तोड़ू है मेरा फ्रेंड, खर्राटे लेके सो रहा है यार, खर्राटे लेके इतनी खतरनाक तरीके से। पता नहीं यार बर्थडे के दिन ये 10 बजे तक कौन ही सोता है। वैसे छोड़े यार उसे, और तुम लोगों ने कुछ पार्टी वार्टी के बारे में प्लान किया है? अरे हाँ यार मैंने प्लानिंग की है। क्या प्लान किया है यार? अरे मैंने ये प्लानिंग किया कि हम लोग पार्टी करेंगे। अरे इसे प्लान करना थोड़ी ना कहते, इसे तो डिसाइड करना कहते हैं। प्लानिंग क्या की है? अरे प्लानिंग तो अभी कुछ खास की नहीं है यार। प्लानिंग करनी पड़ेगी यार, फ्रैंकलिन की बर्थडे पार्टी को हम लोगों के एकदम यादगार बना दे ना है। अरे लेकिन बनाएंगे कैसे? बना देंगे, सबसे पहले तुम लोग मेरे संग चलो। अरे कहाँ यार? एक बढ़िया सी लोकेशन ढूंढने के लिए जहाँ पर फ्रैंकलिन के लिए बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। अरे कौन सी लोकेशन यार? अरे लॉस सेंटोस में ढूंढते हैं, कोई बढ़िया सी लोकेशन मिल जाएगी तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। अरे तो चलो यार, देर किस बात की, आ जाओ फटाफट से आ जाओ यार। अब आजा, मैं भी आना चाह रहा हूँ। अरे आ जाओ यार चौप, तुम्हें किसने मना किया है, बड़ी वाली गाड़ी लेकर आया हूँ मैं, फटाफट से आ जाओ। फ्रैंकलिन का बर्थडे तो एकदम धूमधाम से मनाएंगे हम लोग, आ जाओ जल्दी से। अरे वैसे एक चीज मैं बताऊँ यार। क्या बताना चाहते हो? अरे पिछली बार हम लोग भी यार मस्त वाली जगह ढूंढ रहे थे पार्टी के लिए, फिर हम लोग डायमंड कैसीनो जा पहुँचे। अच्छा आइडिया है, हाँ डायमंड कैसीनो पार्टी रखते हैं। अरे लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा बदतमीज है यार, उन्होंने हमें जगह भी नहीं दी और बहुत ज्यादा महंगी जगह दे रहे थे वो लोग। अच्छा तो फिर डायमंड कैसीनो कैंसिल? अरे बिल्कुल डायमंड कैसीनो में नहीं यार, और वैसे भी पिछली बार तो हम लोगों ने वहीं पार्टी की थी, तो इस बार थोड़ा वहाँ पर करेंगे। ठीक है चलो दूसरी जगह ढूंढते हैं। चलो चलो यार पार्टी के लिए दूसरी जगह ढूंढते हैं। एक्चुअली मैं यार देखो, साइमन जो है ना, साइमन वो ये पार्टी वगैरह की भी अरेंजमेंट्स करता है। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ लॉस सेंटोस के अंदर काफी ज्यादा पार्टीज अरेंजमेंट्स करता है वो, तो एक काम करते हैं उसके पास चलते हैं। अरे तो फिर चलो यार साइमन अंकल के पास। यार चल साइमन के पास चल यार, वो थोड़ी हेल्प कर देगा टकला अपना। चलो चलो चलते हैं साइमन के पास, लेट्स गो। अरे चलो चलो बस पहुंचने वाले हैं। हाँ ये रहा साइमन का शोरूम, लेट्स गो। अरे हट जाओ गाड़ी वालों सामने से। चलो यार फाइनली पहुंच गए साइमन के शोरूम। और साइमन कैसे हो? अरे माइकल काफी ज्यादा दिनों के बाद, और ये क्या शिंचन पिंचन तुम्हारे साथ? अरे हाँ वो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था, तुम पार्टीज वगैरह की अरेंजमेंट करते हो ना? हाँ पहले किया करता था, अब नहीं करता। तो आज हमें तुमसे एक काम था, आज पार्टी करनी हम लोगों को, लॉस सेंटोस के अंदर ही कोई जगह है? देखो यार आज तो सारी जगह फुल है लॉस सेंटोस के अंदर, और वैसे भी एक जगह खाली है, लेकिन उसके लिए कम से कम तुम्हें 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 100 करोड़? इतनी ज्यादा महंगी जगह
गए हो गई है लॉस सैंटोस के अंदर। हाँ यार, आजकल बहुत ज्यादा अमीर लोग हो गए हैं लॉस सैंटोस के अंदर, इसलिए जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे अब कहाँ पर पार्टी करेंगे? अरे यार, 100 करोड़ का तो खर्चा हमारे बस की बात नहीं है, बट हम लोगों को जगह तो चाहिए। आखिर में हम लोगों को फ्रैंकलिन की बर्थडे पार्टी जो करनी है। अरे तो फिर कहाँ करें यार? अब आजा भाई यार, कोई ना कोई तो जगह हमें चाहिए ही। एक काम करें क्या, मेरे घर पे पार्टी रख दे। अरे नहीं यार, तुम्हारे घर पे नहीं, वो तो फिर तुम्हारी बर्थडे पार्टी ज्यादा लगेगी। हाँ ये भी बात सही है, और घर पे भी पार्टी अच्छी नहीं लगती यार। क्या करे? वैसे एक और तरीका है यार। क्या साइमन, बताओ जरा। तुम जाकर पलीटो बे में क्यों नहीं बात करते? पलीटो बे में काफी सारी जगह है जहाँ पर पार्टीज वगैरह होती रहती है। क्या बात करो यार। हाँ बिल्कुल। अरे लेकिन फ्रेंड भैया का बर्थडे हम लोग पलीटो बे में मनाएंगे। तो क्या हो गया यार, दिक्कत ही क्या है? सही तो है, बल्कि बढ़िया सी जगह पर, न्यू लोकेशन पर ले जाएंगे फ्रैंकलिन को। अरे हाँ यार, सही कह रहे हो। चलो फिर, देर किस बात की। चलो चलो गाइस, अभी हम लोग जाते हैं पलीटो बे, और वहाँ पर जाकर एक जगह फाइनल करके आएंगे, मस्त अरेंजमेंट करवाएंगे वहाँ पर बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन के लिए, और फिर फ्रैंकलिन को गिफ्ट करेंगे हम लोग नए नए कपड़े, और नए कपड़े पहना कर फ्रैंकलिन को सरप्राइज पार्टी देंगे। खुश हो जाएगा वो। अरे बिल्कुल खुश हो जाएंगे। चलो चलो। अरे चलो यार, फाइनली पहुँचने वाले हैं। बस पहुँचने वाले हैं। वैसे ये बंदा मेरी तरह ही गाड़ी ले रहा है। नहीं, मेरे से अलग है। खैर उसे छोड़ो, चलते हैं हम लोग पलीटो बे की तरफ। वैसे कुछ भी कहो यार, जब भी पार्टीज वगैरह का प्लान बने, पलीटो बे से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। एक तो इतना खूबसूरत पहाड़ों वाला व्यू, ऊपर से मस्त एकदम शांति, हरियाली, काफी ज्यादा खूबसूरत जगह है पलीटो बे। बाकी देखते हैं यहाँ पर पार्टी के लिए कोई जगह मिलती है कि नहीं। अरे आगे चलो यार, आगे चलकर किसी से बात करते हैं पार्टी के बारे में। चलो चलो फटाफट से। हाँ वैसे साइमन को हम लोगों ने कह दिया था कि फ्रैंकलिन को पार्टी के बारे में कुछ भी मत याद दिलाना और ना ही बताना। बाकी चलते हैं यहाँ पर, कहाँ पर पार्टी के लिए अरेंजमेंट करवाई जाए। अरे मैं तो कहता हूँ यार, इधर ही करवा देते हैं, खाली जगह है, मस्त जगह है। हाँ जगह तो काफी ज्यादा बढ़िया है यार, पार्टी काफी ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। अरे हाँ यार, यहाँ पर का जगह का मालिक कौन है? पता नहीं, आजू बाजू जो घर है इन्हीं से पूछते हैं, क्या पता इनमें से कोई एक आध मालिक हो। किससे पूछे इस जगह के बारे में? अरे चलो उधर चलते हैं यार, इतने सारे घर तो है। किससे पूछे, इधर कोई नजर भी तो नहीं आ रहा है। इधर शॉप वाली आंटी से पूछते हैं। हेलो आंटी जी। मैं तुम्हें आंटी देख रही हूँ। अरे यार, यहाँ से तो पूछना ही बेकार है, सारे लोग भड़क जाते हैं। हाँ यहाँ पर एक बंदा खड़ा है। हेलो भाई साहब। अरे हेलो हेलो भाई साहब, और बताइए क्या हाल चाल है? मेरे बढ़िया हाल चाल है, एक काम था आपसे। अच्छा पूछिए पूछिए। ये जो पीछे जो बड़ा सा प्लॉट है, उसका मालिक कौन है? वो मेरा ही प्लॉट है। एक्चुअली में हमें वहाँ पर बर्थडे पार्टी करनी है, तो क्या परमिशन मिल सकती है? परमिशन तो दे दूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। अरे कितने लगेंगे? यही कुछ 10-20 लाख। अरे बस 10-20 लाख में काम हो रहा है यहाँ तो? अरे तो चलो यार फटाफट से दे दो, अभी मैं आपको पेमेंट करता हूँ। चलो 10-20 लाख की पेमेंट तो पहुँच गई होगी। तुमने तो 30 लाख की कर दी यार। हाँ वो खुशी के मारे थोड़ा। और अरेंजमेंट आप करवा सकते हो पार्टी का? नहीं नहीं, वो नहीं करवा सकता मैं। ठीक है, अरेंजमेंट हम लोग खुद करवा लेंगे। अरे यार माइकल भैया, कैसे करवाओगे अरेंजमेंट? अरे मेरा एक दोस्त है यार अरेंजमेंट करने वाला, उसको अभी कॉल लगाता हूँ, वो अपना ट्रक लेकर आ जाएगा सामान वामान लेके, और अभी के अभी इस जगह को सजाना शुरू कर देगा, पार्टी के लिए एकदम मस्त सजा देगा। अरे तो एक स्पेशल चीज और करवा देना यार पार्टी के अंदर। क्या यार? अरे यार अपने दोस्त से कहना कि पार्टी वाली जमीन पर एकदम मस्त तरीके से बड़ा बड़ा फ्रैंकलिन लिखवा दे। भाई साहब फ्रैंकलिन नहीं, बड़ा बड़ा फ्लाइट लिखवा देना भाई। फ्लाइट वो क्यों? भाई साहब बढ़िया लगेगा। अरे हाँ हाँ, बड़ा बड़ा फ्लाइट लिख देना यार, और ज्यादा बढ़िया लगेगा। वैसे गाइस तुम लोगों ने अभी तक विश नहीं किया यार, तो कमेंट में जाकर विश करो। अरे हाँ तुम लोगों ने यार विश नहीं किया अभी तक फ्रैंकलिन को हैप्पी बर्थडे, तो कमेंट में जाकर हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन लिखो, या तो हैप्पी बर्थडे फ्लाइट भी लिख सकते हो। अरे हाँ यार फटाफट से हैप्पी बर्थडे फ्लाइट या हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन लिख देना। बाकी तो चलते हैं यार यही वाली जगह, अभी अपने दोस्त को कॉल लगाता हूँ और बुला लेता हूँ उसे इस जगह को सजाने के लिए। लेट्स गो। ये रहा मेरे दोस्त का नंबर। देखा यार मेरा दोस्त कितनी ज्यादा फास्ट काम करता है। अरे कहाँ देखा? अरे वो देखो यार, मेरा दोस्त तीनों अपने टेम्पोज लेकर आ भी गया है। कैसे हो दोस्त तुम? अरे मैं बढ़िया हूँ माइकल, तुम बताओ। फोन किसको लगाया? अरे वर्कर्स को लगाया यार, वो बस आते ही होंगे, और आते ही तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर मस्त सजावट का काम होने भी लग जाएगा यार। अरे यार तुम तो कमाल हो एकदम। हाँ बस वर्कर को ही मैंने कॉल लगाया, बस आते ही होंगे। आओ फटाफट जल्दी से आओ,
आओ और थोड़ी बहुत और लड़िया ले आना। और हाँ एक और चीज यार, जमीन पर फ्लाइट लिखवाना है। अरे सब हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। ठीक है यार, काफी बढ़िया वाले दोस्त हो मेरे। ठीक है, बस अभी वर्कर्स आएंगे और बस काम शुरू यहाँ पर। रात तक हो जाएगा ना? हाँ रात के 8 बजे तक हो जाएगा। रात के 8 बजे तक, मतलब हम फ्रैंकलिन का यहाँ पर 9 बजे लेकर आ जाएंगे। अरे लेकिन यार इनविटेशन भी तो देना होगा। अरे हाँ यार, ये भी बात तुमने सही कही। अरे एवेंजर्स को तो हम लोग फोन करके बुला लेंगे। बात रही लेस्टर, लेमार, ट्रेवर, इन सबको बुलाना होगा। और तुम्हारी फैमिली को भी तो? अरे उनको तो मैं लेकर आ जाऊंगा डायरेक्ट पार्टी में। हाँ तो अब ट्रेवर को फोन कर दूंगा। लेस्टर का फोन मैंने सुबह ट्राई किया था, उसका फोन लग नहीं रहा था और लेमार का भी नहीं लग रहा था। अरे तो चलो एक काम करते हैं, लेस्टर भैया के घर पे चलते हैं। हाँ उसको इनविटेशन दे देते हैं और 8 बजे तक जगह सज जाएगी, मतलब 9 बजे हम लोग फ्रैंकलिन को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। 8 बजे एक काम करेंगे, लॉस सेंटोस से निकल जाएंगे। अरे हाँ यार बिल्कुल। वैसे एक सेकंड, टाइम क्या हो रहा है? अरे मोबाइल के टाइम को क्या हो गया? अरे टाइम ही नहीं बढ़ रहा मोबाइल का तो। अरे खराब हो गया। हो गया यार, टाइम सेट करना पड़ेगा, बाद में करेंगे। टाइम जितना भी हो रहा हो, देखो यार मेरे पास एक प्लान था। अरे क्या प्लान था यार? फ्रैंकलिन को हम लोग ऐसी जैसी मेरी अभी गाड़ी, ऐसी नॉर्मल गाड़ी में लाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था, किसी महंगी सी गाड़ी में लेकर आएंगे यार, एकदम राजा की तरह। बिल्कुल यार, उसका बर्थडे है, उसे काफी ज्यादा बढ़िया वाला फील होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई, उसके साइमन के शोरूम में मैंने 2 मस्त गाड़ियाँ देखी थी, उनमें से एक गाड़ी हम लोग किराए पे ले लेते हैं। हाँ अच्छा आइडिया दिया तुमने चौप। और भाई उसे भी तो इनविटेशन देना पड़ेगा साइमन को। अरे हाँ हाँ, साइमन को भी इनविटेशन देना पड़ेगा। चलो एक ही तीर से 2 काम करते हैं हम लोग, एक गाड़ी भी रेंट पे ले लेंगे और साइमन को इनविटेशन भी दे देंगे। चलो चलो फटाफट से चलते हैं। चलो चलो यार, फाइनली यहाँ पर पहुँच गए साइमन के शोरूम। अरे हाँ यार चौप सही कह रहे थे, गाड़ियाँ तो मस्त मस्त है। अरे हुआ इंतजाम? हाँ इंतजाम हो गया है। एक और चीज का इंतजाम करवाना था साइमन। क्या यार बताओ? गाड़ी तुम्हारी वो फरारी वाली चाहिए हमें। अरे यार सॉरी, मैं नहीं दे सकता वो फरारी वाली गाड़ी। अरे यार तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हारा इतने खास दोस्त का बर्थडे और तुम्हें गाड़ी रेंट पे नहीं दे सकते। अच्छा रेंट पे, मुझे लगा गिफ्ट मांग रहे हो फ्रैंकलिन के लिए। नहीं नहीं, आज भर के लिए रेंट पे चाहिए। फिर तो ठीक है, फ्री में ले जाओ, रेंट क्या देना। ठीक है यार ठीक है। और हाँ एक और चीज, हम तुम्हें इनवाइट करना चाहते हैं फ्रैंकलिन के बर्थडे के लिए। सॉरी यार मुझे एक जरूरी काम है, मैं आ नहीं सकता। अरे यार आ जाना प्लीज। नहीं नहीं आई एम सॉरी यार। अरे यार कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम नहीं रखेंगे हम लोग पार्टी लिस्ट में। ठीक है मत रखना, क्योंकि मैं आ ही नहीं पाऊंगा यार। अरे ठीक है, हम तुम्हारा नाम नहीं रखेंगे पार्टी लिस्ट में, ठीक है ना फिर तो? हाँ ठीक है। अरे अब चलो यार फटाफट से लेस्टर भैया के घर पर। हाँ लेस्टर के घर पे चलते हैं, पता नहीं फोन क्यों उठा रहा लेस्टर, अलग ही पागल हो रखा है। अरे यार तुमने एवेंजर्स को फोन किया कि नहीं शिनचैन? अरे मैंने कर तो दिया, लेकिन वो आयरन मैन कह रहा है कि सारे एवेंजर्स नहीं आ पाएंगे। वो क्यों यार? अरे वो आयरन मैन कह रहा है कि वो उनके एक और दोस्त का बर्थडे है, तो वो काफी सारे एवेंजर्स उसके बर्थडे पार्टी में गए हैं, तो सिर्फ 6 एवेंजर्स ही आ पाएंगे फ्रैंकलिन भैया की बर्थडे पार्टी में। चलो कोई नहीं, 6 एवेंजर्स आ रहे ना, बस काफी है उतना। अरे यार ये तो लेकिन फिर भी गलत बात है, हम लोग हमेशा वो जब भी बुलाते हैं हम लोग जाते हैं, वो हमारी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आते है? हाँ भाई साहब छोड़ना भाई, आने दे हल्के बच्चे को, उसका पिछवाड़ा रोच लूंगा मैं। चलो आ चुके हैं। अरे ये दोनों फोन बंद करके यहाँ पर आपस में बातें कर रहे हैं। अरे लेस्टर भाई क्या हालचाल? अरे हालचाल तो बढ़िया है, तुम्हें पता है फ्रैंकलिन का बर्थडे है? अरे तुम्हें भी पता चल गया? तुम्हें भी पता चल गया मतलब? अरे हम दोनों प्लानिंग कर रहे हैं उसके सीक्रेट बर्थडे पार्टी की। अरे प्लानिंग छोड़ो यार, सारी प्लानिंग हो चुकी है, हम लोगों ने तैयारी अभी कर ली है, समझे लेमार? अरे ऐसे कैसे यार, हमें भी ना बताया तुमने तैयारी कर ली। अरे वो सब छोड़ो, तैयारी हो चुकी है, बस मैं तुम लोगों को इन्विटेशन देने के लिए आया हूँ। आ जाना रात को 9 बजे के करीब, पहुँच जाना तुम लोग पलीटो वे। ठीक है पहुँच जाएंगे। अरे हाँ बिल्कुल पहुँच जाएंगे यार, हमारे दोस्त फ्रैंकलिन का बर्थडे जो है। हाँ बिल्कुल पहुँच जाना एकदम बढ़िया तरीके से। अरे अब क्या करना है, अब तो बस इंतजार करना है। इंतजार नहीं यार, केक का भी तो बंदोबस्त करना है। अरे केक का तो मैंने कर दिया, एवेंजर्स को मैंने कह दिया कि केक लेते आना। अरे फिर तो सही है, कितने मंजिल का केक बनाया है? अरे 3 मंजिल का। अरे फिर तो और भी ज्यादा बढ़िया है। अब क्या करना है, सब कुछ हो गया है, फ्रैंकलिन को गाड़ी में ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम हो गया है, फिर वहाँ पर सजावट वजावट, नीचे फ्लाइट भी लिखवा देंगे, वहाँ पर पानी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ व्यवस्था हो गई है, खाने पीने का भी इंतजाम हो गया है। अरे पार्टी एकदम दमदार होने वाली है। हाँ एक चीज रह गई। भाई साहब क्या रह गया भाई? माइकल। अरे यार फ्रैंकलिन क्या चड्डी बनियान में वहाँ पर जाएगा?
अरे हाँ यार, कपड़े फ्रैंक भैया के लिए कपड़े। वही तो यार, कपड़े लेने के लिए चलते हैं फ्रैंकलिन के लिए एकदम मस्त वाले। और फिर यार एकदम बढ़िया तरीके से वो पार्टी में जाएगा मस्त वाले कपड़े पहन के। चलो यार कपड़े लेने के लिए चलते हैं। हाँ गाइस, सुबह हो गई फाइनली। सुबह नहीं आ रहा, आज तो ज्यादा ही देर तक सो लिया मैं। और कैसा है तू फ्रैंकलिन भाई, कैसे हाल चाल है? बढ़िया लग रहा हूँ सो के मैं तो। चलो यार जाकर नहाते हैं, बहुत तेज नींद आ रही थी, अब नींद जाकर खुली है, थोड़ा फ्रेश होते हैं फटाफट, लेट्स गो। और भाई शिनचैन मिनचैन क्या? अरे कोई भी नहीं है क्या घर में? नहीं यार, चौप भी नहीं है वहाँ पे। वो कहाँ गए लोग? हेलो भाई शिनचैन मिनचैन, चौप वो कहाँ चले गए ये लोग अचानक से? सुबह सुबह कहाँ ही गायब हो गए ये लोग? पता नहीं गाइस कहाँ ये लोग घूमने चले जाते हैं अकेले ही, मुझे भी ना बताए। बताओ यार, मुझे ही नहीं ले जाते कभी घूमने के लिए। खैर जो भी हो, और आराम से यहाँ पर तैरते हैं, मुझे से और क्या। वैसे आज कुछ ज्यादा ही देर तक सो लिया मैं, इतनी ज्यादा देर तक मैं सोता नहीं, मतलब नॉर्मली मैं 10 बजे तक उठ जाता हूँ, बट आज बताओ यार 12:30 बजे है और अब मैं उठाऊँ। खैर जो भी हो, हाँ जाते हैं चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी बनाते हैं, तब जाके बढ़िया तरीके से नींद खुलेगी और फिर लगाऊंगा मैं इस शिनचैन के बच्चे को फ़ोन, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। चलो यार फ्रैंकलिन के लिए मस्त वाली शॉपिंग हो गई। और ये क्या, एक सेकंड, अरे वो तो फरारी है ना। अरे देखो साइमन अंकल ने फटाफट से गाड़ी भेज भी दी यार। अरे यार साइमन का काम भी एकदम परफेक्ट होता है। चलो देखते हैं फ्रैंकलिन उठा है कि नहीं। अरे उठ ही गए होंगे यार। गया होगा तो फोन क्यों नहीं आया उसका? अरे शायद उन्हें अपना ही बर्थडे याद नहीं है। अरे हाँ यार सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो यार ले लिया है शॉपिंग बैग, अब चलते हैं फटाफट से फ्रैंकलिन को उसके कपड़े गिफ्ट करने के लिए। अरे चलो चलो यार, फ्रैंक भैया तो चौकी जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे फ्रैंकलिन कैसे हो? मैं भाई माइकल, तू क्या यहाँ कर रहा है? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया था। कपड़े? वो क्यों? अरे यार पहन के तो आओ एक बार। क्यों, किसी की शादी में जाना है क्या? नहीं नहीं शादी में जाना, किसी की पार्टी में जाना है। अच्छा किसकी पार्टी है? अरे यार वो ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी से पहन के आओ यार। अच्छा बताओ तो सही, पार्टी किसकी है? अरे यार जल्दी से पहन कर आओ ना। हाँ हाँ ठीक है पहन के आ रहा हूँ, ला भाई ला। वैसे भाई शिनचैन तू कहाँ गया था? अरे इधर ही बस घूमने गया था यार। फिर ठीक है, जल्दी पहन कर आओ। हाँ हाँ आता हूँ पहन के। अरे वैसे जब तक फ्रेंड भी है कपड़े पहन रहे यार, फटाफट से जाओ और वीडियो को लाइक कर दो। अरे हाँ यार लाइक नहीं है तो फटाफट से लाइक कर दो, 1 like = 1 happy birthday wish। और गाइस कमेंट में विश करना बिल्कुल मत भूलना यार। हाँ यार पिछली बार 12,000 कमेंट थे हैप्पी बर्थडे के, देखते हैं इस बार कितने कमेंट होते हैं। अरे बिल्कुल यार। ओके गाइस कपड़े मैंने पहन लिए हैं, कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक ही लग रहा हूँ, शीशे में देखते हैं चल के। ओहो जूते वूते भी बढ़िया लग रहे हैं। अरे वाह यार एकदम बढ़िया लग रहे हैं यार। चलो भाई किसकी पार्टी में जाना है? चलते हैं जरा बाहर जाकर एक गाड़ी देखो यार। बाहर जाकर गाड़ी, ये किस लिए चल रहा भाई इतना ड्रामा? चलते हैं गाइस। ओ तेरी ए, ये कैसी टूटी फूटी गाड़ी है? अरे व्हाइट वाली नहीं रेड वाली। रेड वाली कहाँ है? ओ तेरी, ओ भाई साहब ला फरारी, क्या गदर लग रही है गाइस। अरे यार ये गाड़ी तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? अरे हाँ यार बिल्कुल, तुम्हें इस गाड़ी को अब लेकर पहुँचना है पलीटो बे। पलीटो बे? वो किस लिए? अरे पहुँचो ना फटाफट से। अच्छा तुम लोग नहीं चल रहे हो क्या मेरे संग? अरे यार तुम जाओ तो सही। ओके पता नहीं गाइस क्या है, और मैं भी तुम्हारे संग आऊंगा। अच्छा चल तू भी आ रहा है ना, फिर तो ठीक है, वरना मैं मेरे को नहीं पता भाई किसकी पार्टी और कहाँ पलीटो बे में जाना है। बाकी चौप भाई क्या हाल चाल है? भाई साहब कलर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है तू। थैंक यू भाई, थैंक यू चौप। अरे यार मैंने कहा नहीं था इसे बिल्कुल नहीं याद। अरे इन्हें तो अपना बर्थडे ही नहीं याद है, इस बार तो अलग ही सीन हो गया यार। बिल्कुल यार बिल्कुल। अरे सुनो यार फ्रैंकलिन शिनचैन, मैं पिंचन और चौप निकलते हैं, तुम लोग पीछे से आना। अरे ठीक है यार ठीक है। और 8 बजे निकलना पार्टी के लिए। अरे ठीक है बिल्कुल ठीक है। भाई साहब चलो चलो, आज तो मजा आएगा, बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी? ओ पार्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी बोला ना चौप तूने? नहीं बे मैंने बोला बड्डी बढ़िया वाली पार्टी, बढ़िया पार्टी, बढ़िया पार्टी, समझ आया तू? बढ़िया पार्टी। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन फिर क्यों ठीक है, क्या पता किसी की बर्थडे पार्टी हो? भाई यार चुप होके जाना पड़ेगा। अरे फेमे चलो यार फटाफट, लेट्स गो गाइस, बढ़िया वाली पार्टी में चलते हैं। अरे जल्दी जल्दी बैठो। ओके गाइस, ओ भाई फरारी तो मस्त चल रही है बे। अरे मक्कल चल रही है ना, तुम्हें कैसी लगी? बड़े दिनों बाद क्या पहली बार ला फरारी? नहीं पहली बार तो नहीं, हाँ बड़े दिनों बाद गाइस ला फरारी चलाने का यहाँ पर मौका मिला है।
और भाई साहब क्या ही अमेजिंग चल रही है। और इसके बूस्टर देखो पीछे वाले एग्जॉस्ट, ओहो ओहो डबल एग्जॉस्ट, आहा क्या मजा आ रहा है। अरे तुम्हें बढ़िया लगी ना यार? हाँ मेरे को तो बढ़िया लग रही है, वैसे तुम लोग आज मेरी राय क्यों पूछ रहे हो इतनी? अरे बस ऐसे ही यार। चलो गाइस निकलते हैं पलीटो पे, पता नहीं किसी की पार्टी है, चलते हैं पार्टी के अंदर। वैसे गाइस जाओ यार कमेंट में विश करो। हाँ गाइस कमेंट में विश करो, पता नहीं जिसकी भी पार्टी हो, कि निकलते हैं लेट्स गो। अरे ला फरारी की गाइस ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, इसलिए इसे मक्खन वाले रोड पर ही चलाना पड़ेगा। और ये देखो भाई रफ्तार, ओ तेरी कितनी दूर है भाई बर्थडे पार्टी। अरे बस वो देखो पटाखे छूट रहे हैं ना, वहीं पर जा रहा है हमें। ओ तेरी गाइस पार्टी तो भाई शानदार लग रही है। अरे बिल्कुल शानदार है यार, मजा आ जाएगा तुम्हें। ओके ओ भाई साहब कुछ ज्यादा ही तगड़ी यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है यार। और एक सेकेंड, ये तो वही गाड़ी है ना जिसमें माइकल निकला था? अरे हाँ हाँ वही गाड़ी है, चलो अब आगे। ओके गाइस लेट्स गो। भाई साहब क्या ही मस्त वाली पार्टी का अरेंजमेंट है यार। किसकी पार्टी है ये? जिसकी भी पार्टी है भाई तगड़ा खर्चा हुआ है। ओहो क्या ही गदर लग रही है। अरे अब चलो यार गाड़ी को बस यहाँ से अंदर ले चलो। अंदर? अरे हाँ यार फटाफट से ले चलो यार। अंदर देख ले भाई किसी की गाड़ी अंदर नहीं है। अरे तो चलो गेट पर ही ले चलो। यहीं पर रोक दो? अरे हाँ यहीं पर रोक दो। ओके गाइस साइमन बाहर किससे झगड़ रहा है? साइमन क्या हो गया यार? जाने ही नहीं दे रहे मुझे अंदर। पता नहीं गाइस इसको क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे। ओ वाओ क्या ही मस्त वाली पार्टी का अरेंजमेंट है गाइस। भाई जिसकी भी पार्टी हो भाई बहुत ही ज्यादा खर्चा किया है। अरे बिल्कुल बहुत खर्चा किया है यार। अरे हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन। अरे हैप्पी बर्थडे यार। अरे हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे यार। अरे हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन। अरे हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन यार। भाई साहब कल हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे? अबे आज ओ तेरी, अबे आज तो मेरा बर्थडे है। अरे वही तो यार, इसलिए तो तुम्हें विश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। अरे यार फ्रैंकलिन तुम पहले ऐसे आदमी यार जिसे खुद का बर्थडे खुद ही याद नहीं है। अबे हाँ यार मैं तो लिटरली मैं भूल गया था। अरे यार 14 अगस्त है यार, पिछले साल हमने आज ही के दिन तुम्हारा बर्थडे मनाया था, भूल गए क्या? अबे हाँ यार आज तो मेरा बर्थडे है, लिटरली मैं भूल गया यार मैं। और तुम लोगों को याद था? अरे बिल्कुल याद है यार। और इतनी शानदार पार्टी का अरेंजमेंट मेरे लिए ही है? अरे हाँ बिल्कुल, तभी चौप का बच्चा बर्थडे पार्टी बोल रहा था। अरे बिल्कुल यार। ओ तेरी गाइस क्या पार्टी लगाई है यार, मतलब क्या पार्टी का अरेंजमेंट किया है यार। ओहो क्या ही शानदार पार्टी का अरेंजमेंट किया, मजा ही आ गया। अरे फैमिली वो भी लॉस एंड उसमें नहीं पलीटो बे में। हाँ गाइस लिटरली मैं दिल खुश हो गया यार, क्या ही अमेजिंग पार्टी। और एवेंजर्स भी आया है? बिल्कुल यार आना ही था मैं तो। हाँ यार लेकिन ज्यादा बंदे नहीं आ पाए क्योंकि यार कुछ बंदे किसी और बर्थडे पार्टी में गए हैं। फिर भी यार तुम लोग आए, थैंक यू यार। अरे हाँ यार अपने दोस्त के लिए तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल यार ऐसे कैसे नहीं आएंगे हम लोग। और यहाँ पर अमांडा, ओके हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन। माइकल भाई ये अरेंजमेंट मेरे दोस्त ने करवाया है। किस दोस्त ने? वो रहा पीछे चड्डी बनियान में। थैंक यू भाई। अरे कोई बात नहीं। और जिमी ट्रेसी, हेलो अंकल हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। अब आज साहब कल हैप्पी बर्थडे भाई। ओहो चौप तभी बर्थडे बोल रहा था वहाँ पे, मैं बिल्कुल गलती से मुँह से निकल गया था मेरे। अरे फैमिली हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू भाई पिंचन। और कौन आया? बस इतने ही लोग आए? अरे नहीं नहीं उधर ट्रेवर भी है। ट्रेवर? अरे भाई ये ट्रेवर और लेमार तो पहले खा पिएंगे ही। अरे भाई ट्रेवर। अरे हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन, कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया ही हूँ। अरे यार तुम्हें भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई लेमार, थैंक यू। ओके गाइस भाई साहब लिटरली में क्या अरेंजमेंट करिए, वो डीजे। अरे बिल्कुल डीजे है यार ये। और ये ऊपर मस्त स्टेज गाइस, क्या बात है, इतनी खतरनाक अरेंजमेंट तो आज तक मेरे लिए कभी भी नहीं हुई है। अरे चलो अब केक काटो यार, लेट्स गो। लेकिन एक सेकंड भाई, वो साइमन क्यों बाहर रह गया है? अरे यार एक्चुअली में सीन क्या हुआ कि ये साइमन अंकल को हमने इनवाइट किया तो ये आए ही नहीं है, कह रहे कि मेरा नाम काट देना पार्टी लिस्ट में से। तो जो हम लोगों ने लिस्ट दी थी उस गार्ड ने उसी लिस्ट वालों को अंदर आने दिया है। अब साइमन अंकल का तो नाम है नहीं इसलिए वो उन्हें अंदर ही नहीं आने दे रहा। अरे भाई गार्ड जाने दे इसे। अरे फ्रैंकलिन देखो यार जाने ही नहीं दे रहा। अरे भाई जाने दे, भाई जाने दे। ठीक है सर आप कहते हैं तो जाने देता हूँ मैं। चल भाई आ जा साइमन आ जा। अरे चलो 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 चलो। अरे फैमिली चलो यार केक काटो। चाकू कहाँ है भाई? अरे टेबल पे ही है यार। और 3 मंजिल का केक, ओ भाई सब बहुत ही शानदार केक है यार। चलो गाइस इसे कट करते हैं।
ये रहा मेरे हाथ में चाकू, लेट्स कट। अरे चलो चलो काटो। अरे हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन। अरे हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन। अरे हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन भैया। चलो गाइस केक भी यहाँ पर कट हो गया और मेरी तो आंखों में से आंसू आ रहे हैं। दिख तो नहीं रहे लेकिन भाई आ रहे हैं, वो चश्मे की वजह से नहीं दिख रहे। भाई साहब इतनी तगड़ी पार्टी का सेलिब्रेशन आज तक कभी भी नहीं हुआ। और यही नहीं है, देखो यार ये क्या है। अरे जरा ड्रोन से उड़ा कर दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो यार मेरा ड्रोन गया ऊपर। ओ भाई साहब गाइस ये तो फ्लाइट लिखा हुआ है। देखा हमारा कमाल। ओ कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। और देखा कितनी खूबसूरती के साथ लिखा है यार। और क्या मस्त, इतनी छोटी सी जगह में क्या मस्त सजावट की है गाइस इन लोगों ने। ओ भाई ये देखो यार हमारा डांस वाला सेक्शन, इधर मस्त पटाखे पटाखे छूट रहा है, पीछे से अलग ही रॉकेट वॉकेट की तबाही मची पड़ी है और इधर अपना फ्लाइट लिखा आ रहा है। गाइस मजा ही आ गया। तो चलो गाइस ये है पार्टी टाइम, लेट्स डांस। अरे चाकू तो रख दो। अच्छा हाँ चाकू रख दूंगा भाई। आ जाओ एवेंजर्स, आ जाओ भाई सारे के सारे मिलके नाचते हैं। अरे हाँ लेट्स गो पार्टी टाइम। गाइस तुम लोग आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और गाइस कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख देना यार। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अरे हाँ यार तब तक के लिए गुड बाय।